Now we have to, in development, the next topic is national development, राष्ट्रीय विकास. तो नेशनल डेवलपमेंट को हम कैसे करेंगे मेजर? तो नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करने का एक ही है कि ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एज वी नो दैट जीडीपी इज द सम ऑफ टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विद इन वन फाइनेंशियल ईयर. एक वित्तीय वर्ष में देश के तीनों क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के कुल योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, एंड दैट इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. नाउडेज वी कैन कंपेयर द डिफरेंट नेशंस इन दिस वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, बट पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी इज नॉट इनफ बिकॉज एज वी स्टेट ऑलरेडी दैट इन इंडिया विद इन अ नेशन पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ राइट इंडिकेटर. अगर हम बात करते हैं अपने ही देश में तो हमारा पर कैपिटा इनकम लगभग 90,000 कुछ है, और जो रियल फैक्ट्स हैं उसमें हमारी प्लानिंग कमीशन ने बहुत सारी अलग बातें कही हैं. तो पर कैपिटा इनकम इज अ ब्रॉडर मेजरमेंट और बेसिस फॉर ए कंपेरिजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, बट इट इज नॉट अ राइट इंडिकेटर. नाउ पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम जो हम लोग निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, उसको निकालने का तरीका है जीडीपी. When GDP is get divided by population, then we get per capita income or average income. Now the next topic is how to compare different countries or state. So that is first of all, which is broadly accepted by all, that on the basis of GDP or per capita income, we can easily compare the different nation or state also. That and it is assumed by कि जिस देश का और जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय और जी डी पी ऊंचा है, ज्यादा है, तो वो ज्यादा डेवलप है. बट समाइम दैट मेरी इंडिकेटर ऑफ जी डी पी नॉट बिकेम राइट. दस जो इस इनकम से रिफ्लेक्शन है, इट इज एक चीज लेकिन ट्रू है यहाँ पर, ये चीज ज्यादा समझने वाली बात है कि अगर हम पर कैपिटा इनकम को आधार मानते हैं और पर कैपिटा इनकम को आधार मानते हैं और अगर ये मानते हैं कि पर कैपिटा इनकम अगर हाई है तो ये निश्चित पूर्वक है कि अगर वो पर कैपिटा इनकम राइट इंडिकेटर है, सही में पर कैपिटा इनकम हाई है उस राज्य का या उस राष्ट्र का, तो रिलेटेड इंडिकेटर ऑल्सो गेट गुड या बेटर इंडिकेटर होंगे. जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट यानी बच्चों का जो सकल नामांकन दर है स्कूलों में, दैट शुड बी गुड. सेक्स रेशियो, दैट शुड बी गुड. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिसको हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा, यानी कि एवरेज एज, तो ये सब बेटर होना चाहिए बिकॉज दीज ऑल इंडिकेटर विल रिलेटेड विथ पर कैपिटा इनकम. And per capita income, higher the per capita income ensure the higher life of standard, and higher life of standard shows these indicator better indicator. आप higher income group में infant mortality rate नहीं देखिएगा, higher income group में maternity mortality नहीं देखिएगा, higher income group में obviously literacy rate high होंगे, sex ratio बहुत better होगा जैसे कि पश्चिमी देशों में और European countries में है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगा. हमने पहले भी कहा है कि जापान और बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे बहुत ज्यादा है. तो इन इंडिया देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट्स इन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज नॉट अ राइट इंडिकेटर, दस वी कैन कांट बिलीव ऑन द मेजरमेंट विच इज मेड ओवर पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम रिगार्डिंग द डेवलपमेंटल स्टेटस. एंड दीज criteria also mention in a aggregate form by World Bank or UNO, United Nation Organization or World Bank jo hai isko mention karke every year they issue the list of human development index of different nation in which our nation were about 172 ranked get
तो हाउ वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, तो इसका सबसे बड़ा आंसर है कि कंपेयर नेशनल डेवलपमेंट को हम जीडीपी से कंपेयर करते हैं, एंड देयर वर नो वे टू कंपेयर नेशनल डेवलपमेंट बिकॉज नेशनल डेवलपमेंट इज अ वास्ट सेगमेंट इन विच वी हैव टू बी फोकस ऑन वेरियस आइटम्स और एलिमेंट्स टू एग्जैक्टली मेजर द नेशनल डेवलपमेंट. सो वी टेक ओनली जीडीपी. बट वाइल वी टॉकिंग अबाउट कंपेयर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, देन वी इन्फोर्स और इम्फेसिस ऑन अदर इंडिकेटर इज मोस्ट बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेदर देन नेशनल इनकम और जी डी पी. एंड ऑन ड्यू टू दिस दीज इंडिकेटर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंशन दीज इंडिकेटर्स टू प्रिपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एवरी ईयर. एंड दैट इज द राइट इंडिकेटर एंड राइट बेसिस ऑफ कंपेयर ऑफ डिफरेंट नेशन और स्टेट. सपोज इन इंडिया इफ वी कंपेयर वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ इंडिकेटर्स वर बेटर इन केरला, हरियाणा, चंडीगढ़ रेदर देन बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश. एंड इट इज नॉट अबाउट पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम इज डिफरेंट थिंग एंड दीज इंडिकेटर्स आर डिफरेंट थिंग. पर कैपिटा इनकम डज नॉट इंश्योर द बेटर इंडिकेटर्स, डज नॉट इंश्योर, नेवर इंश्योर. पर कैपिटा इनकम इज अ डिफरेंट थिंग. इट इज अ सम ऑफ टोटल मॉनेटरी इनकम ऑफ नेशन विच इज डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, बट द रियल फैक्ट्स मे डिफर फ्रॉम पर कैपिटा इनकम. And thus, if there is a correlation we have to find in per capita income and development, then we have to find these indicators. If these indicators in better form, in no doubt that nation or that state must be a developed nation or developed state. Now, in next video or perhaps the last video of summary, we are going to discuss the sustainability of development and sustainability of development and what is the relevant of development. Okay.